यकीन मानिए, आज एक पुराना वीडियो मिला है, बहुत ही शानदार वीडियो है। वीडियो मोदी जी का है। ये वीडियो तब का है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और सवाल पूछने का अंदाज देखिए, वो मनमोहन सरकार से कितना हेवी सवाल करते थे और जवाब मांगते थे। पहले आप वीडियो सुनिए, फिर मैं सवाल करूंगा। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पर बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिन्दुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिन्दुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है, आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा, राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। कितना अच्छा वीडियो है, सुन के मजा आ गया। मोदी जी आप सवाल लाजवाब करते हैं, क्या पूछा है आपने? कृपया करके इन्हीं सवालों के जवाब आप दे दीजिए। जो सवाल आपने पूछे हैं, आज वही सवाल देश की जनता आपसे पूछ रही है। आज कोई मनमोहन नहीं है, आज कोई नेहरू नहीं है, आज कोई गांधी नहीं है, आज देश के प्रधानमंत्री आप हैं। वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहता है कि मेरा सीना 56 इंच का है। दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, जिसे आप कहते थे कि 46 इंची का सीना है। ठीक है, उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन आज तो 56 इंच के सीना वाला प्रधानमंत्री है, आपके पास तो जवाब होना चाहिए। देश की जनता को बताइए, वो आतंकवादी जो हमारे देश पे हमला करता है, उसके पास गोला बारूद कहां से आया? ये सभी विदेश से आते हैं, तो सीमा सुरक्षा आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, क्या आप देश की निगरानी नहीं कर सकते हैं? आप जवाब दीजिए, आतंकवादियों के पास पैसा कहां से आता है, दाना पानी कहां से आता है? विदेश से आता है। कैसे आ जाता है मोदी जी? रिजर्व बैंक आपके पास है, पैसा ट्रांजैक्शन की कंपनी आपके पास है, हर चीज आपके पास है। आज जवाब तो आप ही को देना होगा, दीजिए। विदेशों से घुसपैठिया हमारे देश में आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? यही सवाल आपका था ना, आज आप खुद बताइए कैसे आते हैं। थल सेना आपके पास है, जल सेना आपके पास है, वायु सेना आपके पास है, फिर भी आतंकवादी हमारे देश में घुस जाते हैं, कैसे घुस जाते हैं मोदी जी, जरा बताइए। आप नेहरू से सवाल करते हैं, गांधी से सवाल करते हैं, मनमोहन से सवाल करते हैं, आपके पास है जवाब? यदि जवाब नहीं है तो आप माफी मांगिए देश की जनता से कि हम विपक्ष में रहते हुए सरकार को कोसते थे, लेकिन जब हम खुद सरकार में आ गए तो पाकिस्तान से जाके गले मिलते हैं, बिरयानी खाते हैं, लेकिन सवाल विपक्ष से करेंगे। ये कौन सी राजनीति है? आप करे तो रासलीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला। आतंकवादी हमारे देश में घुस जाता है 300 किलो बारूद लेके, आपको पता भी नहीं लगता कहां गई वो आईबी, कहां गई रॉ। कोई विदेशी हमारे देश में बॉर्डर क्रॉस करता है 100 ग्राम गांजा लेके, तो हमारे देश की सेना पकड़ लेती है, लेकिन एक आतंकवादी हमारे देश में 350 किलो आरडीएक्स लेके घुस गया, आपको पता तक नहीं लगा? जिस सरकार को यह पता लग जाता है कि किसके फ्रिज में बीफ है, उस सरकार को यह नहीं पता लगा?
कि हमारे देश में एक आतंकवादी 350 किलो RDX लेके घुस गया। सर मानी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों पे जो लोग आज देश की जनता को गुमराह करते हैं, शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। मेरे बातों से सहमत तो शेयर कीजिए। और कितना अच्छा सवाल था, यही सवाल मोदी जी आपसे है, आप जवाब दीजिए। आपके पास तो 56 इंच का सीना है, हमें उम्मीद है कि आप जवाब जरूर देंगे। सोनू सलमान ने आपसे सवाल किया है, ये सवाल मेरा नहीं है, देश की जनता का सवाल है, आप जवाब जरूर दीजिएगा और देश की जनता शेयर कीजिए, 56 इंच के सीना तक पहुंचाइए।